पसंद आया? मिठाई, चांदी का सिक्का, कृष्ण भगवान। अरे आप लोगों के परिश्रम के आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी छोटी सी भेंट है भाई। आप लोगों का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, हमारे शुभकामनाओं के तौर पे ये चांदी का सिक्का, और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए गोकुल धाम के बाल गोपाल। भगवान करे आपका घर सलामत रहे, और हाँ कभी भी कोई भी काम हो तो हमें बेझिझक कह देना। अरे बिल्कुल सर, तुम सबने तो दिल जीत लिया हम सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। थैंक यू थैंक यू। हम चलते हैं। बाय बाय बाय। अच्छा थैंक यू। अरे भाई बेटे, घर में जाने का मुहूर्त कब आएगा? हाँ। बस अभी थोड़े समय में होने वाला है मुहूर्त। इतने दिनों बाद हम लोग अपने घर में जाएंगे। ओ कम ऑन माधवी भाभी, अपने घर नहीं अपने नए घर बोलो। सही बात है, बिल्कुल नए जैसा ही तो हो गया है। Oh my God, I'm so excited about it. अरे excited तो हम सब है ही। बिड़ा भाई और कितनी देर? अरे भाई तुझे इतनी घाई है तो तू जा घुस जा अपने घर में जा। ओ पप्पू थोड़ी ठंड पा, और तेरा घर कौन सा उड़ा के जा रहा है? और तू भी यही है, तेरा नया घर भी यही है यार। अरे वो तो बराबर है सोनी, लेकिन अपने घर के बाहर रहते हुए इतने दिन हो गए ना, अब रहा नहीं जा रहा। बराबर। अरे पोपट भाई डोंट वरी, बस घर में जाने का टाइम हो ही गया है, बस थोड़ी देर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी खुशी से जाहिर करता हूँ कि हम सबका नए घर में जाने का मुहूर्त हो गया है। तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ओ सासु माँ पाई लगू, अरे नहीं वो हाँ है वो गरबा कर रही है, मैं भी गरबा ही कर रहा था। हम सब गरबा कर रहे हैं, बापूजी टप्पू पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गरबा कर रही है। वो हम सबका घर तैयार हो गया ना उसकी खुशी में। हाँ बोला था, एक मिनट दया दया। अरे जल्दी आ, एक सासु माँ का फोन है। अरे माँ माँ का फोन है। हमने तो सिर्फ रिनोवेशन कराया है ना, लेकिन माँ ने कहा है कि मरम्मत करवाने से उस जगह पर बसे हुए लाखों जीव जंतु देवी देवता उनको बहुत कष्ट पहुंचता है, इसलिए पूजा करके उनकी माफी मांग के उनको प्रसन्न करके फिर उस घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। दया भाभी अभी इतना टाइम कहाँ है, अगर अभी हम पूजा करेंगे तो गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। सही बात है। हाँ मुझे पता है वैद्य साहब, लेकिन मैंने कहा है तो मुझे क्या लगता है इतनी देर रुके हैं तो थोड़ा और सही ना। हाँ, हाँ।
पूजा कर लेते हैं, नहीं का? ओके हाँ करो लेते हैं ना टप्पू के पापा। नहीं नहीं देखिए आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए भाई अभी। करेक्ट। ओ यारो हमारे पास वक्त होता तो हम लोग पूजा पाठ जरूर करवा लेते। हाँ भाई कैंसल कैंसल, गृह प्रवेश करना कैंसल। भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, हम पूजा किए बिना अगर गृह प्रवेश करेंगे और देवी देवता मुझसे रूठ गए तो शादी के लिए मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी।